एक पासे तो खून दियां नदियां बहाण दियां गल्लां हो रही ने कि असी कुछ भी हो पानी हरियाणे नूं नहीं देना, पर उत्थे ही आम आदमी पार्टी के राज सभा मैंबर जिहड़ा हरियाणे के पक्ष में वड्डा बयान दे के गए ने, किवें देखदे हो? अज जिहड़ा बयान सामने आया जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हो बड़ा हैरानीजनक है, बिल्ली थैल्यों बाहर आ गई है। आम आदमी पार्टी के पंजाब तो ही राज सभा मैंबर संदीप पाठक हरियाणे दे विच खड़ के ये गल कह रहे हैं कि हरियाणे नूं हरियाणे का पानी मिलना चाहिए। वो बंदा पंजाब दा खा रहा है, पंजाब दी राज सभा सीट के उपर बैठा है, पंजाब दे जहाजां दे विच झूटे लैंदा है, तो बोली जिहड़ी आ हरियाणे की बोल रहा है सिर्फ वोटां दे लई। पंजाब कोले तां पहले ही जिहड़ा अपना जिहड़ा कुछ रह नहीं गया, जिन्ना कुछ सीगा पंजाब, पंजाब सोने की चिड़ी सी, पंजाब कोले कुछ रह नहीं गया है ना, तो हुण जिहड़ा हैगा पंजाब दे कोले उहनूं भी तुसीं कह रहे हो कि पंजाब दा पंजाब नूं मिले, वह तो साडे कोले हैगा ही आ, चाहे घट आ चाहे वध है, हाँ है तो घट ही है, पर तुसीं कह रहे हो कि हरियाणे नूं हरियाणे दा मिले, भाव कि तुसीं कह रहे हो कि एस वाई एल राही पंजाब दा पानी हरियाणे नूं भी दिता जाए। संदीप पाठक कहिंदे मसला सुप्रीम कोर्ट राही हल होगा। सुप्रीम कोर्ट के विच तां पहले ही तुसीं ये गल कह चुके हो कि भाई किसान सानूं नहर नहीं बनाउण दिंदे, लोग सानूं नहर नहीं बनाउण दिंदे। जे सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणे के हक के फैसला दिता तो की तुहाडी आम आदमी पार्टी की सरकार पानी दे दूगी? कुछ देर पहला अरविंद केजरीवाल ये गल कह रहे थे कि भाई मोदी साहब जिहड़े है वह मैनू चाह के कप के उपर सद लैन, मैं चाह के कप के उपर ही जिहड़ा वो मसला हल जिहड़ा तुहानूं दस दूंगा भी किवें मसला हल होना है जी, केजरीवाल साहब कहिंदे सी। अज संदीप पाठक भी ये गल कह चुके हैं कि इहनूं केंद्र नूं जिहड़ा मसला हल करना चाहिए। तो तुसीं सुणिया होना मोदी साहब कुछ दिन पहलां बोले सी कि कुछ सूबे पानियां दे पिछे आपस दे विच लड़ रहे आ, उहनां नूं पानी जिहड़े वंड लैणे चाहीदे आ। मतलब तुसीं चाहुंदे हो कि जे मोदी साहब मसला हल करदे आ तां पंजाब दा पानी वंड देना चाहीदा, इह चाहुंदी आ आम आदमी पार्टी? संदीप पाठक इत्थों तक कह रहे आ कि साडा दूजियां पार्टियां वर्गा स्टैंड नहीं गा, भी कांग्रेस जिहड़ी है वह हरियाणे दे विच कुछ कहिंदी है, पंजाब दे विच कुछ कहिंदी है, जिहड़ी भाजपा वह हरियाणे दे विच कुछ कहिंदी है ते पंजाब दे विच कुछ कहिंदी है। साडा तां कहिंदे इक्को स्टैंड है, पंजाब नूं पंजाब दा पाणी, हरियाणे नूं हरियाणे दा पाणी। फिर तो उही मैं तो फिर उही गल कहूँगा भी गल तो उही है ना, फिर यह जे हरियाणे दा पाणी मिले इहदा मतलब पंजाब दा पाणी तुसीं कढ के हरियाणे नूं देना चाहुंदे आ, यही गल होगी ना। फिर संदीप पाठक साहब ये बंदा साडा खा रहा, साढ़े राज सभा मैंबर दी कुर्सी के उपर बैठा होया, साढ़े पंजाबी का हक मार के इस संदीप पाठक नूं भगवंत मान ने दिता होया, तो वह बंदा साढ़े हकों के उपर डाका मारते हैं? यहोजे संदीप पाठक की जिहड़ी आ कुर्सी खो के भगवंत मान साहब नूं उन्नू बाहर भेजना चाहिए पंजाब दे विचों कि तू पंजाब दे ये की गल कर रहा बई, मैं तो पंजाबियों के हकों की लड़ाई लड़ रहा तो तू इतें कुछ होर कही जा रहा। भगवंत मान साहब नूं संदीप पाठक के नाल गल करनी चाहिए है, उहदे तो अस्तीफा लेना चाहिए, उहदे तो पंजाब की राज सभा मैंबरी लेनी चाहिए है, साढ़े जिहड़े पैसे खाई जांदा उह बैठा। संदीप पाठक कौन हुंदा है पंजाब दे पाणियां दा फैसला करन वाला? हैं पंजाबी करनगे? मुख्यमंत्री साहब नूं चाहिए कि विरोधियों नाल एस वाई एल दे मुद्दे ते उपर तुसीं बाद च भिड़ियो, पहला संदीप पाठक नाल गल कर लो कि यह की चाहुंदा है। देखो हले तां संदीप पाठक दा बयान सामने आया, हुण देखना कि जिहड़े पंजाब दे मंत्री ते एम एल ए जिहड़े हरियाणे दे विच इंचार्ज हलका इंचार्ज लोक सभा इंचार्ज लाए आ वह हरियाणे दे विच जाके की बयान दिंदे आ, गल उन्हां दी भी रहनी आ। ये बयान दवाना लोग ये चर्चावान करते हैं कि संदीप पाठक तो पुछे बिना बयान नहीं दे सकता कोई पंजाब का लीडर, मतलब तो ये आप यहोजे बयान दे रहे तो फिर वो कहोजे बयान देंगे? देखो आप सरकार को अपना स्टैंड जो स्पष्ट करना चाहिए, भगवंत मान को स्पष्ट करना चाहिए। मैं 90 गूंगे कहूँगा, 90 इस करके क्योंकि एक दो चजदे है कुंवर विजय प्रताप वर्गे चंगे बंदे भी इन्हों है, 90 मैं तो गूंगे कह रहे उन्होंने छड़ रहा एक दो, ये 90 गूंगों को जवाब देना चाहिए कि भाई दसो भी ये क्यों जिहड़ा बयान दिता जिहड़ा संदीप पाठक ने, संदीप पाठक नूं हुणे जिहड़े 90 गुंगे पुछणगे। सिद्धू मूसेवाले ने गाना गाया सीगा हुण दसो पंजाबी हो जिहड़ा गदार दसो कौण, इहो जिहा इक गाना गाया सी तां उदों 90 गुंगिआं ने एक एक करके सिद्धू मूसेवाले दे खिलाफ जिहड़ी आ उह वीडियो पाई सीगी कि इहने आए कहता जी पंजाब दे लोकां नूं कह रहा, हालांकि पंजाब दे लोकां नूं उहने कहा नहीं सी, इहनां नूं ही कहा सीगा ते उह वाकई गदार निकले। तुसीं देखो हुण उहनां नूं पुछणा चाहीदा संदीप पाठक नूं, देखदे आ किहड़ा किहड़ा एम एल ए किहड़ा मंत्री जिहड़ा इन्नी जुरत करदा कि सवाल जिहड़ा उह पुछदा संदीप पाठक नूं।
बयान दिते जा रहे हैं कि भी खून दिया नदियां जरूर बहावे पर पानी नहीं जान देवे। खून दिया नदियां किस दिया बहाणगियां जो पंजाबियों ने उन्होंने हथ बागडोर दी हुई है तो उ अपनी कुर्सी से बैठ के अजिहे फैसले लै रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये खून दिया नदियां बाद च बहाउण, पहला बयान दिया नदियां बहाउण कि भाई साडा संदीप पाठक जिहड़ा यह बयान दिता साढ़े पंजाब का देना कोई लेना देना नहीं और नाल इहदे तों अस्तीफा मंगना भी छड्ड साढ़े पंजाब की कुर्सी, साढ़े पंजाब की कुर्सी से बह के तू किहो जिहे बयान दई जाना। हुण इह वी इम्तिहान की घड़ी है पंजाबीओ कि इह संदीप पाठक के बयान के विरुद्ध किहड़ा किहड़ा पंजाब का एम एल ए जिहड़ा वह जुरत करता कि संदीप पाठक के इस बयान को गलत दसू। एस वाई एल के मुद्दे पर एक पासे आप सरकार दावा ठोकरी है कि एक भी बूंद हरियाणा नहीं दी जाएगी पर उत्थे ही पंजाब तो आम आदमी पार्टी के राजसभा मैंबर संदीप पाठक का बड़ा बयान सामने आया जिस दे विच वो कह रहे हैं कि हरियाणे का हिस्से का पानी हरियाणे को मिलना चाहिए। इस पर ज़्यादा जानकारी देने लिए मेरे नाल मेरे सहयोगी पत्रकार सुखविंदर सिद्धू ने। सिद्धू साहब किवें देखते हो, एक पासे तो खून दी नदियां बहाण दी गल्लां हो रही ने कि असी कुछ भी हो पानी हरियाणे को नहीं देना पर उत्थे ही आम आदमी पार्टी के राजसभा मैंबर जिहड़ा हरियाणे दे पक्ष विच वड्डा बयान दे के गए ने किवें देखदे नूं? बिल्कुल, ये बिल्ली जिहड़ी आ उह थैलियों बाहर आ गई है। जिहड़े कुछ दिन पहला अकाली दल जिहड़ा सवाल चुक रहा सी, वख वख विरोधी पार्टियां जिहड़ियां उह सवाल चुक रहियां सीगियां कि भाई आम आदमी पार्टी ने जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट दे विच जाके ये गल कहती है कि भाई सानू तां जिहड़ा हैगा जिहड़ा नहर बनाउण नहीं किसान नहीं दिंदे जां लोक नहीं नहर बनाउण दिंदे, है ना, इहो जिहियां गल्लां होईयां। उदों बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान बड़ा घेरे, उदों बाद 12 अक्तूबर नूं एक जिहड़ा लैटर आपां देखिया, एक पत्र जिहड़ा आपां देखिया जिहदे विच 32वें नंबर दे उपर एस वाई एल सर्वे ऑनलाइन करवाउण दी जिहड़ी उह गल तुरी उह ते जिहड़े पूरे बुरे तरीके दे नाल घिर गई। अज जिहड़ा बयान सामने आया जिहदी तुसीं गल कर रहे हो बड़ा हैरानीजनक है, बिल्ली थैल्यों बाहर आ गई है। आम आदमी पार्टी के पंजाब तो ही राज्यसभा मैंबर संदीप पाठक हरियाणे दे विच खड़ के ये गल कह रहे हैं कि हरियाणे नूं हरियाणे का पानी मिलना चाहिए। मतलब हैरान है कि वो बंदा पंजाब का खा रहा है, पंजाब की राज्यसभा सीट के उपर बैठा है, पंजाब के जहाज़ों के झूटे लैंदा है, तो बोली जी हरियाणे की बोल रहा है सिर्फ वोटों के लिए, पंजाब के हकों के उपर डाका मार रहा। वो कहिंदे है कि भाई पंजाब नूं पंजाब दा पानी मिले, पंजाब कोले तां पंजाब दा पानी हैगा ही है और उल्टा पंजाब नूं खोह के बाकी पहला साडा पंजाब बहुत वड्डा सी, पानी भी साढ़े कोले बहुत वड्डा सी, जो पंजाब वंडिया गया तो फिर पानी भी साडा वंडिया गया। पंजाब तां पहले ही घाटे दे विच है, पंजाब कोले तां पहले ही जिहड़ा अपना जिहड़ा कुछ रह नहीं गया जिन्ना कुछ सीगा, पंजाब सोने की चिड़ी सी, पंजाब कोले कुछ रह नहीं गया, है ना, तो हुण जिहड़ा हैगा पंजाब दे कोले उन्हूं भी तुसीं कह रहे हो कि पंजाब दा पंजाब नूं मिले, वो तो साढ़े कोले हैगा ही है, चाहे घट है चाहे वध है, हाँ है तो घट ही है, पर तुसीं कह रहे हो कि हरियाणे नूं हरियाणे दा मिले, भाव कि तुसीं कह रहे हो कि एस वाई एल राही पंजाब दा पानी हरियाणे नूं भी दिता जाए, हैं खा तुसीं पंजाब दा रहे हो, पहन तुसीं पंजाब दा रहे हो, तो तुसीं बोली जिहड़ी आ हरियाणे दी बोलो, क्यों? क्योंकि उत्थे वोटां नहीं। मतलब हैरानी की गल आ, वो कहिंदे कि मसला जी सुप्रीम कोर्ट राही हल होगा, मसला वह कहिंदे संदीप पाठक कहिंदे मसला सुप्रीम कोर्ट राही हल होगा। सुप्रीम कोर्ट के पहले ही तुसीं ये गल कह चुके हो कि भाई किसान सानू नहर नहीं बनाउण दिंदे, लोग सानू नहर नहीं बनाउण दिंदे, जे सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणे के हक के फैसला दिता तो की तुहाडी आम आदमी पार्टी की सरकार पानी दे दूगी? दूजी गल यह है कि वह कहिंदे कि जिवें पहला उन्होंने राज्यसभा मैंबर सुनील गुप्ता जिहड़े है उन्होंने जिहड़ी एक आडियो सिद्धू मूसेवाला एस वाई एल गाने दे विच भी अगे लाई है कि जे 25 दे विच साडी सरकार बनती है, 24 दे विच साडी सरकार बनती है तो जिहड़ा असीं पंजाब दे विच साडी सरकार बन गई है, सिद्धू मूसेवाले का तुसीं गाणा सुनिया होना एस वाई एल सिद्धू मूसेवाले का गाणा, उहदे विच अगे वर्डिंग लाई हुई है सिद्धू मूसेवाले ने, उहदे विच उहने इह गल लाई है सुनील गुप्ता दी, राज्यसभा मैंबर जिहड़े अमृतसर माफ करना हरियाणे तो ने आम आदमी पार्टी के उन्होंने वर्डिंग है कि 24 दे विच साडी सरकार बन जाणी है, पंजाब दे विच साडी बन चुकी है, उदू बाद चो असीं जिहड़ा पंजा हरियाणे के घर घर में जिहड़ा एस वाई एल का पानी पहुँचा देंगे, है ना। उहदे उपर हुण इह गल कही जाणी कि भाई हरियाणे नूं पानी जिहड़ा साडी सरकार हरियाणे दे विच जे बन जांदी है पंजाब दे विच हैगी है, अज संदीप पाठक ने भी उही गल कहती है कि बह के असीं मसला हल करांगे, इहदा मतलब की है? इहदा मतलब यह है कि तुसीं पंजाब दे हक्कां ते डाका मारन नूं फिरदे हो, हैं, मतलब हैरानी की गल है कि लोगों हुण समझण दी लोड़ आ। दूजे पासे कुछ देर पहलां अरविंद केजरीवाल ये गल कह रहे थे कि भाई मोदी साहब जिहड़े है
वह मैनू चाह के कप के उपर सद लैन, मैं चाह के कप के उपर ही जोड़ा वो मसला हल जो तो दस दूंगा भी किमें मसला हल होना है जी। केजरीवाल साहब कहें अज संदीप पाठक भी ये गल कह चुके हैं कि यू केंद्र न जोड़ा मसला हल करना चाहिए। तो तुम सुनया होना मोदी साहब कुछ दिन पहला बोले से कि कुछ सूबे पानिया के पिछे आपस के लड़ रहे हैं, उन्होंने पानी जोड़े वंड लेने चाहिए आ। मतलब तुम चाहते हो कि जो मोदी साहब मसला हल करते तो पंजाब का पानी वंड देना चाहिए, ये चाहती है आम आदमी पार्टी, बीजेपी की लाइन पर चल रही है। मतलब हैरानी की गल है, बड़ी हैरानी की गल है। मतलब एक तो होंगे ना भी पिछे रह के नहीं, हुण तां आम आदमी पार्टी शरेआम ही जिहड़ी आ पंजाब दे हक्कां दे उपर डाका मारना शुरू हो चुकी है। मतलब वह साफ ये गल कह रहे हैं संदीप पाठक इतों तक कह रहे हैं कि साडा दूजियां पार्टियां वर्गा स्टैंड नहीं गा, भी कांग्रेस जिहड़ी है वह हरियाणे दे विच कुछ कहिंदी है, पंजाब दे विच कुछ कहिंदी है, जिहड़ी भाजपा वह हरियाणे दे विच कुछ कहिंदी है ते पंजाब दे विच कुछ कहिंदी है। साडा तां कहिंदे इक्को स्टैंड है, पंजाब नूं पंजाब दा पाणी, हरियाणे नूं हरियाणे दा पाणी। फिर तो उही मैं तो फिर उही गल कहूँगा भी गल तो उही है ना फिर, यह जे हरियाणे दा पाणी मिले इहदा मतलब पंजाब दा पाणी तुसीं कढ के हरियाणे नूं देना चाहुंदे आ, यही गल होगी ना फिर संदीप पाठक साहब की। मैं हैरान हाँ ये बंदा साडा खा रहा, साडे राजसभा मैंबर दी कुर्सी दे उपर बैठा होया, साडे पंजाबी दा हक मार के इस संदीप पाठक नूं भगवंत मान ने दिता होया ते वह बंदा साडे हक्कां दे उपर डाका मारदे आ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਰਸੀ ਖੋ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭਜਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ। ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਹੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਿੜਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇਹ ਹਲੂਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਦਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਰਜ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ 90 ਗੁੰਗੇ ਕਹੂੰਗਾ, 90 ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚ ਚੱਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, 90 ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁੰਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ। ਇਹ 90 ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 90 ਗੁੰਗੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਦੁਹਰਾਊਂਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਦਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ 90 ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗਦਾਰ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਏਗੀ ਉਸਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ।
नहीं उही तो मैं गल कह रहा ना, मैं पहला भी उही गल कह के हटिया अपने पठोई साहब कि वो सुप्रीम कोर्ट से गल सुटी जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो हरियाणा के पक्ष के गल जा ही रही हैगी है, उन्होंने तो गल ये कही है कि पंजाब सरकार को पहला भी उन्होंने झाड़ पाई है और पंजाब सरकार से यह इल्जाम लग रहा है कि जानबुझ के सुप्रीम कोर्ट के जिहड़ा पक्ष जिहड़ा मजबूती दे नाल नहीं रख रहे पंजाब का, उन्होंने ये इल्जाम लग रहे हैं। मतलब जे सुप्रीम कोर्ट की गल कलू ये तो कह देंगे, कलू पंजाब सरकार कह दूगी लो जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करता, असी हुण की करिए सुप्रीम कोर्ट के उत्ते तो कुछ नहीं गा, हुण असी नहीं रोक सकते, कलू ये गल कह देंगे हैं। इन्हों का की है फिर कलू कोई पंजाब के लोग झाकणगे इन्हां दे मूहां वल जी। जिमें एक बयान दिते जा रहे हैं कि भी खून दियां नदियां जरूर बहावांगे पर पानी नहीं जान देवांगे, खून दियां नदियां किस दियां बहाणगियां जदों पंजाबियां ने उन्हां दे हथ बागडोर दिती हुई है, तां उही अपनी कुर्सी ते बैठ के अजिहे फैसले लै रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये खून दियां नदियां बाद च बहाउण, पहलां बयानां दियां नदियां बहाउण कि भाई साडा संदीप पाठक जिहड़ा ये बयान दिता साडे पंजाब दा देना कोई लैणा देना नहीं, और नाल इहदे तों अस्तीफा मंगणा भी छड साडे पंजाब दी कुर्सी, साडे पंजाब दी कुर्सी ते बहि के तूं किहो जिहे बयान देई जांदा। खून दियां नदियां बाद च बहाउण, पहलां बयान दिया नदियां बहाउण कि भाई संदीप पाठक गलत कह रहा, देखते हैं हुण ये भी इम्तिहान की घड़ी है पंजाबीओ कि इस संदीप पाठक के बयान के विरुद्ध ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਰਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸੂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰ ਰੱਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੂਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ।